नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बीजेपी के मिशन राजस्थान की। आगाज हो चुका है क्या? जी हां, पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से बीजेपी का चुनावी शंखनाद क्या शुरू हो गया है? प्रधानमंत्री ने राजस्थान दौरे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने यहां कहा, कुर्सी की लूटने और कुर्सी को बचाने का खेल चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों और विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पर भी भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। मोदी ने कहा, कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जिक्र किया। सीएम ने इसे देश भर में लागू करने की बात कही। सीएम ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ का जिक्र किया। कांग्रेस ने पीएम के दौरे को निराशाजनक करार दिया और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। पीएम मोदी की रैली, बीजेपी का चुनावी शंखनाद। पीएम ने योजनाएं गिनाई, विरोधियों पर किया वार। आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। पीएम ने कहा, कुर्सी बचाने का चल रहा है खेल। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। सीएम ने केंद्र से ईआरसीपी, आरटीएसएस और आरटीएच की मांग की। ईआरसीपी की बात बार बार आपसे करता रहता हूं। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में वो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। कांग्रेस ने कहा, जनता हुई निराश। प्रधानमंत्री जी को भी ये महसूस होना चाहिए कि यदि वो राजस्थान की धरा पर आकर राजस्थान की जनता के मन के अनुकूल कोई घोषणा नहीं करते तो उसके कह सकते अधिकारों का हनन है और उसके साथ छलावा और साथ ही साथ एक तरह से उसके साथ विश्वासघात है। मिशन राजस्थान का आगाज। तो क्या मिशन राजस्थान का आगाज हो चुका है? चर्चा आज इसी सवाल की करेंगे। और जाहिर तौर पर बीजेपी कह सकती है कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया जो किया था उन्होंने कि मैं आऊंगा, क्योंकि 10 बजे बज गए थे रात के, उसके बाद वो सभा को संबोधित नहीं कर पाए थे। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे कि अपने चश्मे से इस तरह से मत देखिए, लेकिन हम तो देखेंगे जैसा हमारा मन करेगा। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत। आर आर तिवारी कांग्रेस नेता, उनका भी स्वागत। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। पहले राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि जो आगाज राजस्थान के पूर्व में भरतपुर से किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसको कुछ दिन बाद अगर हम बात करें पूर्व की, तो वहां पर बीजेपी की स्थिति इतनी सही नहीं थी पिछले चुनावों में। और आज अगर मेवाड़ की इस धरती की बात करें जहां प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है, वहां पर बनिस्बत बीजेपी की स्थिति ठीक थी। आज का दौरा क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? दो दो बड़ी बातें जानना चाहूंगा। पहले आपसे मिथिलेश जैमिनी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आज के दौरे ने जो मेवाड़, जो संघ की प्रयोगशाला है और बीजेपी का मजबूत गढ़ है, उसमें उन्होंने जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया, उसमें उन्होंने महाराणा प्रताप की याद दिलाई, पन्ना धाय की याद दिलाई, जो राजपूत वोट बैंक और गुजर समाज दोनों को साधने वाला था। दूसरी अहम बात, जो जिस तरीके से कुश्ती में जो दो पहलवान होते हैं जो दाव पेच लगाने से पहले हाथ मिलाते हैं, वैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री को मित्र कहा और उन्होंने माननीय और सम्मान्य किया। उसके बाद दोनों ने सियासी तन चलाए और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि कई विकृत मानसिकता के लोग विकास के मंच पर भी विवाद की बात करते हैं, नकारात्मकता की बात करते हैं, जो कांग्रेस का हार्डकोर वोट बैंक है आदिवासी, उसके लिए कहा कि दलित आदिवासियों का शोषण किया है अब तक और उन्हें अभाव, असुविधा और अवसरहीनता दी है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की राजनीति कास्ट बेस है उसको साधने का प्रयोग किया है, और इसके साथ ही एक और मैसेज दिया है बीजेपी में कि कहीं महारानी की जगह राजकुमारी तो नहीं आ रही है, जो राजसमंद की सांसदा है,
ये एक नया मैसेज दिया है। और जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ से बात कर रहे हैं उसके बीच में वसुंधरा जी कुछ मिनटों के लिए बोल रही है, लेकिन मंच पर जब वो जाते हैं तो वसुंधरा जी को उतना सम्मान नहीं देते। वो फोटोएं भी सबने देखी है। ये तमाम चीजें हैं। और जिस तरीके से किस्सा कुर्सी का कि जो गंदा खेल खेल रहे हैं उसमें सचिन पायलट को जब मानेसर का दोषी बता दिया, तो वही जो 25 सितंबर को हुआ उसके लिए अशोक गहलोत को भी दर्शा दिया। और आतंक का जो मुद्दा है उसको भी भुनाने में मोदी जी नहीं चुके, क्योंकि दो दिन बाद जयपुर बम कांड की बात सी है। उन्होंने कहा राज्य को लेकर जो कुछ हुआ उसको भी यहाँ पर उल्लेख आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात महत्वपूर्ण, आपने जो किस्सा कुर्सी का लगातार चला उस पर खुद कटाक्ष कहें, तंज कहें, या जो भी कुछ इसका हम कहें, निरंजन पोद्दार जी दो बातें महत्वपूर्ण आपके लिए, और इसमें यह भी जोड़िएगा जरूर कि जो महंगाई राहत शिविर कैंप को लेकर एक तरह से कहें कि बीजेपी में खलबली है, मानते वो नहीं है लेकिन खलबली है, क्या उसकी काट का कोई मंत्र देकर गए, कोई हथियार देकर गए हैं राजस्थान बीजेपी इकाई को? मेरे हिसाब से एक तो प्रधानमंत्री जी की आज की जो रैली है और आज का उनका संबोधन है और जिस तरीके का आज का उनका एक रहा है उससे साफ जाहिर हो गया है कि राजस्थान केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। वहां पे ना कोई महारानी है ना कोई कोई राजकुमार है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक तो सीधा संदेश ये दे दिया और दूसरी बात एक चीज और मैं बताऊं, आज की जिस तरीके से राजस्थान की जो राजनीति देखी है मेरे हिसाब से ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक होनी चाहिए कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और प्रधानमंत्री जी एक ही मंच के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार भी कर रहे हैं, दूसरे से बात भी कर रहे हैं, दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं, दूसरे से नजरें भी मिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग है लेकिन राजनीतिक वैमनस्य कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी ने भी अपने केंद्रीय आलाकमान को भी इन चीज अशोक गहलोत जी से समझना सीखना चाहिए ये चीज कि राजनीति के अंदर आपके मत भेद तो हो सकते हैं लेकिन आपके मन भेद नहीं होने चाहिए। तो एक ये चीज यहां से निकल करके आई। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आज एक राजस्थान की राजनीति में एक समझ लीजिए सरगर्मी तेज हुई, एक तरफ राजनीति का जादूगर जिसको कहा जाता है अशोक गहलोत जी और दूसरी तरफ आज की तारीख में राजनीतिक पहाड़ जिसको कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी, दोनों के वार प्रतिवार जब मंच से देखने को मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि आज राजस्थान की जनता इन सब चीजों को देख करके बड़ी अभिभूत महसूस कर रही थी अपने आप को। जी बिल्कुल आरा तिवारी साहब, कांग्रेस कितना अभिभूत महसूस कर रही थी जब मुख्यमंत्री मंच पर आकर भाषण दे रहे थे और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, और इससे पहले भी क्योंकि जब आईपीएल का मैच देखने के लिए एसएमएस में गए थे तब भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तब तो खैर मोदी जी नहीं थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता तो थे नहीं। क्या हवा का रुख किस तरफ जा रहा है ये अंदाजा लग रहा है, और कैसा महसूस कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता? रविंद्र भाई, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने आज जिस बहादुरी के साथ में दुनिया का जो विश्व गुरु जिनको किसने सर्टिफिकेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के मुंह ये बड़बोले नेता हमारे विश्व गुरु के सामने अगर कोई जनता की बात को पूरी ताकत से कह सकता है उसका नाम है राजस्थान का मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत। उन्होंने फिर कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी आपने राजस्थान की धरती पर अजमेर में और दौसा में जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के जमाने में जो 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी और किसानों की सिंचाई के पाने का जो वादा किया था वो योजना को राष्ट्रीय परियोजना तो घोषित कर दो, यहां आते हो तालियां बजवाते हो मोदी मोदी का इवेंट करा करके चले जाते हो, अपने पूर्वजों को आप निकम्मा घोषित करते हो, अपने पूर्वजों का अपमान करते हो, देश के करोड़ों लोगों को बेरोजगारी से निजात देने के लिए आपने बिल्कुल इस सवाल का मैं जवाब लूंगा यहाँ सुरेश गर्ग जी से, लेकिन तिवारी जी एक सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा कि जो 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 मोदी जी के परम मित्र अशोक गहलोत जी आज एक ही जैसे कपड़े में वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे, जो 5500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जो मुख्यमंत्री का विजन है ना 2030 में नंबर वन बना रहे राजस्थान को, उसमें कितनी मदद मिलेगी? राष्ट्रीय पर वो तो मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जी आए 5500 करोड़ की योजनाओं का, 3 रेल परियोजनाओं का उन्होंने किया, मेडिकल कॉलेज का किया, वो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी में किया,
लेकिन फिर भी राजस्थान के लिए अगर उन्होंने पैकेज 1500 करोड़ का दिया, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 8 करोड़ लोगों का ये राजस्थान जो कभी रेगिस्तान कहलाता था, देश के प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है 6 महीने में 8वीं बार आना पड़ रहा है उनको राजस्थान की धरती पर। इसका मतलब है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का संगठन टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। क्या बुरा किया था किसान पुत्र सतीश पूनिया ने, क्यों हटा दिया? अरे उनके प्रति आपकी संवेदनाएं क्यों, उनके प्रति आपकी संवेदनाएं क्यों? आर आर तिवारी जी, ठीक है, सुरेश गर्ग जी, जो सवाल यहाँ तिवारी जी ने उठाया कि भाई जनता पार्टी ने ऊंट के मुंह में जीरा डालकर तालियां बजवाकर चले गए, और जो घोषणा की थी तत्कालीन बीजेपी सरकार के वक्त में ईआरसीपी की बात की गई थी, उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान आए थे, सबसे पहले तो वो आए थे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, इसके बाद में 5500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4 नेशनल हाईवे राजस्थान को समर्पित किए, देश को समर्पित किया। उसी को तो ऊंट के मुंह में जीरा बोल रहे हैं ना ये, तिवारी जी। अरे सर, सब ये तो घोषणा, ये हमने कोई घोषणा नहीं की थी, ये हमारा निरंतर प्रयास है, निरंतर विकास का प्रयास है। 2014 के बाद में आपने देखा होगा 3.5 लाख किलोमीटर की सड़कें हम बना चुके हैं। 2014 से पहले मात्र 3,25,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज हमने उससे डबल, जो आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है जो पहले होता था उससे डबल तिबल गुना हो रहा है। रेलवे के अंदर विकास जो पहले होता था उससे 14 गुना विकास हो रहा है। आज विद्युतीकरण 90% के आसपास का विद्युतीकरण हो गया है राजस्थान में। रेलवे के अंदर 850 करोड़ तिवारी जी, कोई आज 9,600 करोड़ रुपए का बजट रहा हुए हैं, और कोई एनजीओ तो वो चलाते नहीं है, और अगर कोई सरकार जो राजनीतिक दल है वो कुछ काम कर रहा है तो अपने काम तो गिनाएगा ही ना। आपके टाइम पर क्या कुछ हुआ वो भी बताया, और फिर अब किस तरह से डबल ट्रिपल स्पीड से चल रहा है वो भी यहां पर जिक्र किया, फिर आप क्यों परेशान हो? रविंद्र भाई परेशान कहां है, सवाल है कि ऊंट के मुंह में जीरा राजस्थान के लाखों की तारीफ करो ना। मुझे बताइए कि रेलवे में, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान को क्या नहीं दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? पहले आपकी रोडों की सड़कों की स्थिति देखिए क्या, आप पहले पुल बनाते थे, सड़कें बनाते थे, वो 5-6 साल के अंदर भी वो बेकार हो जाती थी। आज हमने मजबूत सड़कें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, आप उस चीज को क्यों नहीं मानते? आज राजस्थान के अंदर जिस तरह की आपने स्थिति कर रखी है, जो 2018 के पहले जो राजस्थान था वो एक बिल्कुल सुसज्जित राजस्थान था, एक विकास के मोड पे राजस्थान था। 2018 के बाद में आपने उस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और अत्याचार की जननी बता दिया। आज देखिए आप राजस्थान के अंदर किस तरह की घटनाएं हो रही है, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन शूट एंड साइट हो रहा है। आर आर तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 4.5 साल से कुर्सी का खेल चल रहा है, इसलिए जनता के विकास की कौन सूझेगा? तो भाई अगर वहां पर जैसा उनका इशारा यही है कि यहां अगर काम होता तो फिर आपको दिखाई भी देता, तो आप तो कुर्सी के खेल में ही लगे हुए हो। मैं ये तो मुख्यमंत्री विधायक पर भरोसा नहीं करते, विधायक पर विश्वास मुख्यमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, चुनी हुई सरकारों को लूटने का सुनियोजित जो एक लंबा सिलसिला चल रहा है वो देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से शुरू हुआ। इन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को, अरे आप अपनी सरकार का बताइए ना, आपने क्या कर लिया? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी सरकार है, सरकार को बचाया, आपकी पुलिस है, हमारी सरकार, आपने क्या कर लिया, क्या पर्दाफाश कर दिया, क्या भंडाफोड़ कर दिया, किसको गिरफ्तार कर दिया, किसके खिलाफ FIR कर दी, किसको जेल भिजवा दिया? रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत का, 25 लाख रुपए के लिए चिकित्सा कब दोगे? 4.5 साल तो निकल चुके हैं, 1 महीने के लिए दोगे? कब दोगे वो 500 रुपए का सिलेंडर? घर साफ कर देंगे वो तो भूल जाइए, उत्तर प्रदेश और गोवा की जनता भी जान रही है कब मिलेगा हमको सस्ता सिलेंडर जो आपकी बीजेपी की सरकार ने पहले वादा किया था। गर्ग साहब ये बताएं कि जो यहाँ पर मिथिलेश जी ने सवाल उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर अगर हम नाथ द्वारा की बात करें वो नहीं दिखी, आबू रोड में दिखी और उनको बोलने का मौका वहां पर नहीं मिला, और दिया कुमारी इस तौर पर कि राजसमंद की वो सांसद हैं उन्होंने स्वागत संबोधन किया, क्या ये संकेत है पार्टी में? देखिए
आपको मैं बता दूं कि नाथ द्वारा के अंदर जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम के अंदर वहां पर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी वहां के क्षेत्र के जो सांसद प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, समझना चाह रहा हूं, सांसद है वो, प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं और रविंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो चित्तौड़गढ़ के सांसद, रविंद्र जी उस क्षेत्र के सांसद भी है, वो उस क्षेत्र के सांसद है, उस क्षेत्र के सांसद के नाते और प्रदेश अध्यक्ष के नाते दोनों की वजह से वहां पे आए। तो आपने नाथद्वारा का देखा है और वहां पर पहले से ही डिसाइडेड था कि भाई हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी वो देंगे और इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, तो इसमें कहां आप इस तरह से क्यों आप कह रहे हो कि जवाब आप कुछ देना चाहेंगे, कुछ सवाल करना चाहेंगे यहां पर गर्ग साहब से? भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है। एक मिनट मिथिलेश जी, कांग्रेस जो स्थिति कांग्रेस में सचिन पायलट की है वही बीजेपी में वसुंधरा राजे की। कल सचिन पायलट आरपीएससी को छूकर अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू करेंगे तो वसुंधरा राजे तेजाजी के खरनाल में जाके तेजाजी का आशीर्वाद लेगी, जहां ये मांग उठ रही है कि 2008 में आपने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी वो जुड़कर करोड़ों रुपयों के वो मांगे जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कास्ट इक्वेशन, 15 तारीख को खाचरिया आवास में फिर बीजेपी नेता जुट रहे हैं, तो जो जाट गुजर और राजपूत जो उनके हार्ड कोर वोट बैंक है जो खिसका, इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी साफ हुई। ऐसे में जो 71 गुजरों की 72 गुजरों की शहादत का सेहरा वसुंधरा जी के सिर पे है और आनंद पाल और कई मामले भगवान सिंह रोलासर और उनसे राजपूतों की नाराजगी वो भी मोदी जी को पता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए आपने देखा होगा राजेंद्र राठौड़ से वो बात करते हैं मंच पे लेकिन वसुंधरा जी बीच में बोलती है, उसका काट के वीडियो जारी करती है। ये तमाम चीजें हमने दौसा में भी देखी थी जब दोसा आए थे। तो कहीं न कहीं जो नरेंद्र मोदी जो अगर कर्नाटक में जीत जाते हैं एंटी इनकम्बेंसी के बाद में जो चुनावों के देवता हो चुके हैं वो ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें पता है सियासी हलचल, राजस्थान की सियासी नब्ज और उस पारे को नापते हुए वो तमाम जातियों को साधते हुए ये आज का उनका मैसेज है कि अगर अशोक गहलोत जी पर भी तंज कसा उन्होंने कि आप इन बातों को आप जब दिल्ली में मेरे से समय लेके कह सकते थे कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, मंच नहीं था। ये जो नरेंद्र मोदी जी का बात है कि जो नकारात्मकता की मानसिकता है, आप ये सारी बातें उनको पत्र लिखकर भी दे सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह सकते थे। नहीं, उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था जो मुख्य बातें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी लेटर देकर रख दूंगा। देखिए बिल्कुल वो 4.5 साल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मोदी जी ने कहा कि राजस्थान के यूथ बेरोजगार, आज 1111 मीटर लंबा बेरोजगार ने ज्ञापन दिया है रीट और तमाम पेपर लीक वालों में, उनके लिए कहा कि अगर उदयपुर में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री बढ़ती है इन सड़कों से तो राजस्थान के यूथ को जॉब भी मिलेगा। तो मोदी जी ने सियासी, पॉलिटिकल और एम्प्लॉयमेंट तमाम मुद्दों को साधा, मोदी का दौरा सफल रहा। पोद्दार साहब, मैं जानना चाहूंगा पांच जिले सिरोही, राजसमंद, जालौर, पाली और उदयपुर, 26 विधानसभा सीटें आती है, 19 विधानसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो जो इस मेवाड़ के और कुछ हद तक मारवाड़ के हिस्से को टच किया है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि इसको सरकारी कार्यक्रम ठीक है बोला जाए या इसको ये कहा जाए कि राजनीतिक चश्मे से, चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम तो देखेंगे, हम तो हमारी तो हमारा तो काम ही है कि विश्लेषण करना, विवेचना करना। आप बताइए कि मजबूत गढ़ को और मजबूत सुनिश्चित करने की इस कोशिश को किस रूप में आप देख रहे हैं आगे, और उन्होंने साधने की भी कोशिश की आदिवासियों, महिलाओं का भी जिक्र किया अपराध के बहाने। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति का रास्ता खुद चुनते हैं और अपनी राजनीति की बिसात खुद बिछाते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने इस संभाग से जो अपना शुरू किया है तो इनका एक ही उद्देश्य है कि भाई जो हमारी मजबूती थी वो तो हमारी मजबूती रही है, लेकिन जहां पे गुजर बेल्ट के अंदर पिछली बार इनको थोड़ा सा सेटबैक लगा था तो भगवान देव नारायण के दर्शन करके और जिस तरीके से भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा करी जनता के सामने, तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने उस खाली स्थान को भी उन्होंने भरने की कोशिश प्रयास किया है और कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। और रविंद्र जी, जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री जी आज ये मान के चलिए कल कर्नाटका से फ्री हुए और आज सीधा राजस्थान की रणभूमि में उतर गए, ना कोई विश्राम ना कोई आराम, इससे आप ये मान के चलिए प्रधानमंत्री जी जो आज जिस तरीके से कहा जाता है ना कि सिक्के के हेड और टेल दोनों जगह होते हैं, लेकिन आज की राजनीति के अंदर अगर इधर पड़े तो भी प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और दूसरी साइड पड़े तो भी प्रधानमंत्री। आर आर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा राजस्थान की राजनीति के लिए आगामी चुनावों के लिए अशोक गहलोत ही काफी है बीजेपी के राज्य के और केंद्रीय नेताओं के मुकाबले?
राजस्थान के जननायक ने देश में जो एक नवाचार दिया है रविंद्र भाई, देश में पहला राजस्थान है जहां हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके देश के प्रधानमंत्री जी को वादी किया कि पेंशनधारी जो 60 साल के बाद में अपने घर बैठ जाता है। ठीक है, वो सब तो ठीक है, सिलेंडर दिया, 10 योजनाएं हैं, वो तो लिस्ट पता है, लेकिन वो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 3 करोड़ हो गया उसका आंकड़ा। लेकिन ये बताए कि जो सामाजिक जो कुर्सी को लेकर लगातार आज बड़ा हमला किया, एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, भाई जनता को यह बताया जाए कि 4.5 साल में क्या हुआ। ये बीजेपी की तरफ से मंत्र प्रधानमंत्री देते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये गले की फांस बन सकता है? राजनीति का बाजीगर है, आपको नहीं लगता कि गले की फांस बन सकता है? इसका जवाब देते नहीं बनेगा जब चुनाव प्रचार में जाएंगे। नेतृत्व में फिर हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जैसे हम कमजोर नहीं है। कभी नड्डा साहब आएंगे, कभी शाह साहब आएंगे, कभी मोदी साहब आएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए चेहरे पैदा होते हैं मुख्यमंत्री के लिए, आपने सतीश पूनिया को बलि का बकरा बना दिया, राजेंद्र राठौड़ को लिया है, सीपी जोशी जी को लिया है, वसुंधरा जी को आप बैठा दोगे, जयपुर की राजकुमारी को लिया होगे, कब तक आप पैरालिसिस होकर के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चलोगे? राजस्थान में काम के बदले हम सत्ता में आए थे, फिर काम के बदले सत्ता में क्या गर्व साहब, केंद्र के नेताओं के भरोसे कब तक चलोगे? हम रिवाज बदलेंगे, हमारे काम है। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, आज 55,000 बूथों के अंदर हमारे संगठन मजबूत है, 55,000 बूथों के पर हमारे संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। दूसरा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है कांग्रेस की तरह। लेकिन इसका जवाब क्या देंगे आप? ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई कुर्सी की लड़ाई यहाँ पर चलती रही लगातार, लेकिन ये भी ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कौन होगा सीएम? आप कह सकते हैं कि ठीक है, आलाकमान तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा, आप ये कह सकते हैं, लेकिन एक चेहरा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आधा दर्जन चेहरे हैं सीएम के पद को लेकर आपकी पार्टी में, यही नहीं इस तरह की लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आप क्यों नहीं घोषणा करना चाहते हो राजस्थान के? जब हमने कह दिया कि भाई हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आज कांग्रेस, आप मुझे ये बताइए कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? कांग्रेस, आप अपना खुद का नेतृत्व को ध्यान में दें ना, आज राजस्थान के। बहरहाल आज इतना ही समय मेरे पास, मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूं। उससे पहले जो टाइम लिमिट का सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने रखा था, वो सवाल था, ये नीचे भी देख सकते हैं दर्शक, राजस्थान में मोदी की सभाओं से कांग्रेस की चुनौती बढ़ेगी? राजस्थान में मोदी की सभाओं से कांग्रेस की चुनौती बढ़ेगी, तो उसमें हां और ना दो ऑप्शन थे। हां के जो प्रतिशत हैं वो ज्यादा हैं, 63% 63%, और ना के प्रतिशत 37% हैं। सभी मेहमानों ने भी जवाब सुना होगा। बहरहाल आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।